अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CM2 चाइना मेरिकल 2 की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसके सेटअप को आप डाउनलोड कर लें। ये देखें, MTK एग्जी और ये सारी एग्जीज हैं, MTK स्प्रेड और ये सारे बॉक्स ड्राइवर और बाकी सारे ड्राइवर हैं। आप जो अपने PC पे इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको इधर से डाउनलोड करें। यहाँ से डाउनलोड कर लेने के बाद ये चीज़ सारी की सारी एग्जीज और ये ड्राइवर्स वगैरह आपके पास PC में आ जाएंगे। यहाँ ये सबसे पहले आप ऊपर देखें, ये स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर, ये स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर, इनको इंस्टॉल कर लें। ये ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया, स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेने के बाद ये आगे आपके पास ये MTK का सेटअप है, ये इसको इंस्टॉल कर लें। क्योंकि मोस्टली फ़ोन जो है ये MTK चिप में होते हैं, MTK और स्प्रेड ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको इंस्टॉल कर लें। और ये डेस्कटॉप पर शॉर्टकट का अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको चेक रहने दें और ये इंस्टॉल कर दें। ये MTK का सेटअप जो है ये इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद ये स्प्रेड का सेटअप इंस्टॉल कर लें। और ये देखिए, हमारा स्प्रेड का जो सेटअप है ये भी इंस्टॉल हो गया। इसके बाद अगर आप कोई और इसमें सेटअप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये CM2 के MTK के ड्राइवर हैं, इनको इंस्टॉल कर लें। क्योंकि किसी भी फ़ोन को फ्लैश या फॉर्मेट करने के लिए आपको उसके ड्राइवर्स PC पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये देखिए, ड्राइवर्स इंस्टॉल होने के बाद ये CM2 के MTK फोल्डर में ये आपके ड्राइवर्स आ गए। यहाँ से आप इसको, अगर आपके पास 64-bit विंडो है तो 64-bit करें, अगर 32-bit विंडो के लिए ये x86 जो है इनको इंस्टॉल कर लें। और ये हमारे MTK फ़ोन्स के ड्राइवर जो हैं ये इंस्टॉल हो गए हैं। इसके बाद RDA चिप के ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर लें। और ये हमारे स्प्रेड फ़ोन्स के ड्राइवर आ गए, इनको इंस्टॉल करें। और ये हमारे CM2 के स्प्रेड फोल्डर में ये स्प्रेड फ़ोन के ड्राइवर जो हैं ये आ गए। यहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं 32-bit विंडो के लिए और 64-bit विंडो के लिए। ये 32-bit विंडो के लिए ड्राइवर जो हैं इंस्टॉल करें।
और ये हमारे एसपीडी फ़ोन्स के ड्राइवर जो हैं ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं, इनको फिनिश करें। और ये नीचे रॉक चिप के ड्राइवर हैं जो मोस्टली हमारी रॉक की टैब्स आती हैं, चाइना टैब्स, उनके ड्राइवर। ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने के बाद ये देखें एमटी के और ये स्प्रेड की जो एक्जी हैं ये आपके डेस्कटॉप पे आ गई। इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको CM2 की डोंगल या बॉक्स जो है ये पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये CM2 का जो है इन्फिनिटी बॉक्स है। इन्फिनिटी बॉक्स को यूज़ करने के लिए आपने पीसी पे ये इन्फिनिटी बॉक्स के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। Windows 7 या इससे अबव के जो वर्जन है विंडोज़ के उनके उन पे आपको मैनुअली तौर पर जो है डिवाइस मैनेजर में जाकर इनको इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए अपने पीसी के डिवाइस मैनेजर में जाएं। डिवाइस मैनेजर में गए, यहाँ से ये ड्राइवर्स को इंस्टॉल करें और ये मैनुअली तौर पे बॉक्स के ड्राइवर्स और जो आपकी पोर्ट है कॉम पोर्ट है उसके ड्राइवर जो हैं ये मैनुअली तौर पर आप इंस्टॉल कर लेने हैं। और ये हमारे इन्फिनिटी बॉक्स के ड्राइवर जो हैं ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आप अपने बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और CM2 के जो सेटअप हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए MTK के मॉड्यूल को हमने ओपन किया, MTK के सेटअप को हमने ओपन किया। ये ओपन हो गया और यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारा इसका ये आप देख रहे हैं कि ये सारे इसके फीचर्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हमारे सेपरेट फ़ोन्स के लिए जो सॉफ्टवेयर दिया है CM2 ने इसको ओपन किया। और ये CM2 का सॉफ्टवेयर सेपरेट फोन्स के लिए ये देखें। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको CM2 की इंस्टॉलेशन के लिए बहुत मदद मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसके इस्तेमाल के हवाले से डिस्कस की जाएगी। अगली वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।